हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीपीसी सीकर यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड EE203 है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक एसी सर्किट में आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक एसी साइनोसोइडल वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाया गया है। जो जैसा आप सर्किट में देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस आर वैल्यू का और एक इंडक्टर एल हेनरी का और एक कैपेसिटर सी फेरेड का सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे एक एसी सप्लाई वोल्टेज, साइनोसोइडल वोल्टेज, जिसकी आरएमएस वैल्यू वी है, और इसका इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, वी इक्वल्स टू वी साइन ओमेगा टी। जब ये वोल्टेज सोर्स हम सीरीज आरएलसी सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं हमारे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये जो तीन एलिमेंट हैं इनके अक्रॉस किस टाइप से वोल्टेज जनरेट होगा, सर्किट में क्या करंट फ्लो होगी, क्या पावर फैक्टर होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इसी कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फिगर में समझाया गया है कि एक आरएमएस वोल्टेज वी का एसी साइनोसोइडल सप्लाई सोर्स हमने इस सर्किट में कनेक्ट किया है, जहां पर वी आर वो है इक्वल्स टू आई आर, ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वी आर, ये सर्किट में से बहने वाली जो करंट है आई, ये आरएमएस वैल्यू है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट उसके फेज में होगा। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किसी रेजिस्टेंस में से अगर कोई करंट आई जा रही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आई आर होगा, द फेजर ऑफ दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इटसेल्फ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर आई और वी आर दोनों एक ही फेज डायरेक्शन में शो किया है। वी एल जो है हमारा वो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस एल हेनरी है, ये दिया जाएगा आई इंटू एक्सएल। एक्सएल यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरक तो प्रतिघात, और ये हमारे इंडक्टर के अक्रॉस है, और इसमें जो ये वोल्टेज है ये हमारा करंट से 90 डिग्री अहेड रहेगा। अगर हम सब प्योर कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी एल, और ये जो वी एल है ये इस सर्किट में से बहने वाली जो करंट है इंडक्टर में से, जो इंडक्टर में से भी फ्लो हो रही है, उससे 90 डिग्री अहेड है। तीसरा वोल्टेज ड्रॉप है VC, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C फेरेड, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू XC। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारित्र्य प्रतिघात, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है VC ये हमारे जो वोल्ट करंट है उससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, या कह सकते हैं कि जो करंट है वो 90 डिग्री वोल्टेज से आगे है। यहाँ पर ये VC है वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये जो करंट I है ये VC से 90 डिग्री आगे कर रही है, या ये करंट लीड कर रही है जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस VC। अब जो हमारा दूसरा सर्किट है उसमें इन्हीं वोल्टेजेस को हमने फेजर डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस के फेजर हैं। इसमें हमने एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें OA है वो रिप्रेजेंट करता है आपका VR, तो ये जो हमारा OA है, दिस इज OA, ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसको रेफरेंस लिया है हमने, और इसमें जो AB है इसके जस्ट 90 डिग्री, ये हमारा VL को रिप्रेजेंट करता है। VL 90 डिग्री अहेड है, आप देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री अहेड है, तो VL जो है वो I से 90 डिग्री अहेड AB, और जो XC है हमारा VC है सॉरी, ये VC जो है वो हमारे इस जो करंट का फेजर है हमारा, इसमें ये वाला करंट का फेजर है OA, इसके 90 डिग्री पीछे की तरफ होगा,
तो ये VC जो है वो हमारा AC है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, OA इज VR X एक्सिस के डायरेक्शन में लिया है, VL हमने इसे 90 डिग्री आगे लिया है क्योंकि ये I का भी सदिश है या फेजर है, इससे हमने VL 90 डिग्री आगे लिया है जो AB है, और जो VC है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वो इस I से पीछे है, VC जो है ना AC के अमाउंट में ये पीछे है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VL और VC दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में है, मीन्स 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर है. तो अब अगर हम नेट अगर वोल्टेज देखें जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो इसका जो VGI योग होगा वो नेट वोल्टेज होगा दोनों का. तो यहाँ पर देखो आप, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पर है तो AB जो है वो VL है और AC जो है वो VC है, और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है. तो ओवरऑल जो हमारा वोल्टेज होगा ना इनका, VL माइनस VC, क्योंकि VL ज़्यादा है VC कम है, तो ओवरऑल जो वोल्टेज होगा वो VL की दिशा में होगा और ये होगा VL माइनस VC. ये होगा हमारा AD में से AC अगर घटा दें जो BD के बराबर है, AC और BD यहाँ पर बराबर है, तो हमारा नेट वोल्टेज जो L और C के अक्रॉस हुआ वो AD हुआ. तो ये हमारा नेट वोल्टेज है जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो सम है वोल्टेज का, उसका फेजर ये है AD, ठीक है. और ये क्योंकि नेट जो है वो इंडक्टिव है क्योंकि VL ज़्यादा है VC से, तो ये ऊपर की तरफ होगा करंट I से 90 डिग्री आए, तो ये हमारा AD जो है वो VL माइनस VC हो गया. और ये जो है वैल्यू ये हमारी है I इंटू XL माइनस XC, ठीक है. तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ये हमारा AD से हमने शो किया हुआ है. अब इसी में हम इसको मैथमेटिकली अगर इसको डिराइव करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो OD है, दिस इज OD, दिस इज OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, OA स्क्वायर, दिस इज OA स्क्वायर एंड दिस इज AD स्क्वायर, ठीक है, OA स्क्वायर एंड AD स्क्वायर. तो ये जो हमारा है OA स्क्वायर और AD स्क्वायर, AD स्क्वायर है हमारा, AD है हमारा XC जो 1 बटा ओमेगा C है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये V इक्वल्स टू IR स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ये नेट वोल्टेज है हमारा, ये आप पीछे की स्लाइड में देख सकते हैं. नेट हमारा जो वोल्टेज है वो V बराबर ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और ये हमारा टोटल वोल्टेज का सदिश योग जो L और C के अक्रॉस है, तो IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर और IR का होल स्क्वायर. ये जो नेट वोल्टेज आया ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो था वो V RMS वैल्यू के बराबर आया. ये इक्वल्स टू आया, आई यहाँ से बाहर निकल गया क्योंकि ये आई स्क्वायर है, तो अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एक्स जो है वो नेट रिएक्टेंस है हमारा जो एक्सएल माइनस एक्सी है, और इसको हम लिख सकते हैं ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्वान्टिटी है इसको जेड. तो ये जेड जो है हमारा वो ओवरऑल सर्किट का इम्पीडेंस है जिसमें रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल भी आ गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी भी आ गया. तो आई इक्वल्स टू वी बाई जेड. यहाँ पर ये जो टर्म है ये मैंने अभी अभी आपको बताया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये इसका सम करके वर्गमूल निकालते हैं तो ये जो है वो सर्किट का इम्पीडेंस कहलाता है. तो इम्पीडेंस स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस नेट रिएक्टेंस स्क्वायर. तो ये हमने यहाँ पर शो किया है, एक्स जो है वो नेट रिएक्टेंस है. अब फेज एंगल, जो हमारा फेज एंगल है ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फाई, दिस इज फेज एंगल. ये फेज एंगल जो है इसका अगर हम टेन फाई निकालें, इस एंगल का टेन फाई निकालें, तो लंब बटा आधार मीन्स एक्सएल माइनस एक्ससी, जैसे ऊपर में देख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा टेन फाई है, दिस इज हमारा एंगल फाई, ठीक है. तो ये ओवरऑल XL माइनस XC है वो X है नेट रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R. तो इस फेज एंगल का टेन जो है वो नेट रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, जैसे हम इस दोनों डायग्राम में देख सकते हैं. और इस जो एंगल का हमारा जो ये एंगल आया फाई, इसका कॉस अगर हम लें, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर कॉस लें, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड आधार बटा कर्ण, तो आर बाई जेड, आर डिवाइडेड बाई जेड की जगह हमने लिख लिया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आर बाई जेड। सो इट इज सीन दैट इफ इक्वेशन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज जो हमने वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लगाया है, जो वोल्टेज सोर्स है ए सी साइनोसिडल, तो इक्वेशन जो हमारा करंट का होगा एक सीरीज आर एल सी सर्किट में वो दिया जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब इसमें जो प्लस फाइव होगा तब ये आपका होगा कि ये आपका लैगिंग है और माइनस फाइव है तो ये लीडिंग टाइप का सर्किट होगा। आप देख सकते हैं कि अगर प्लस साइन हमें लेना है तो हम करंट लीड कर रही है, ठीक है, करंट लीड कर रही है एक्स सी ज़्यादा एक्सएल से, और माइनस साइन हम लेंगे तब लेंगे जब हमारा एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्स सी से। सो इन जनरल द करंट लैग्स और लीड्स द सप्लाई वोल्टेज बाई एंगल फाई सच दैट टेन फाई इक्वल्स टू एक्स बाई आर। तो ये हमने अभी इसमें डिस्कस किया है, और इसके अंदर जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, जो भी ज़्यादा होगी वो वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर एल एक्सएल ज़्यादा है तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला सर्किट होगा, और अगर एक्ससी ज़्यादा है तो नेट आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला सर्किट होगा। इसमें फेज एंगल जैसे मैंने आपको बताया है कि फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई आर, एक्स को एक्सएल माइनस एक्ससी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें अगर हम एसी वोल्टेज लगाएं, जैसे यहाँ पर हमने एसी साइनोसिडल वोल्टेज अप्लाई किया है, तो सर्किट में हर कंपोनेंट के अक्रॉस किस टाइप से वोल्टेज बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, और ओवरऑल जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस होगा उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट का जो है वो हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का और एक इंडक्टेंस इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी और एक कैपेसिटेंस है जो 100 माइक्रोफेरेट का है। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और जो वोल्टेज है हमारा अध्यारोपित उसकी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ये वोल्टेज सोर्स है। तो हमें डिटरमाइन करना है ए इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, बी करंट इन द सर्किट, सी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, डी सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, और ई सर्किट का पावर फैक्टर क्या है या पावर फैक्टर एंगल क्या है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक्स सी जो होता है कोई कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस वो होता है 1/ωc, और यहाँ पर 1/ωc, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf, दैट इज ओमेगा, और ये सी यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू लिख दी 1/2π है 3.14 और फ्रीक्वेंसी एफ है 50 हर्ट्ज और सी है हमारा 100 माइक्रोफेरेड, 100 × 10⁻¹। इस क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 32 ओम आएगा। तो एक्स सी जो है वो हमारा 32 ओम आया है। ऐसे ही हम एक्सएल निकालेंगे, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कितना होगा, एक्सएल इक्वल्स टू दिया जाता है ओमेगा एल के, और ये होता है ओमेगा एल होता है 2πf, ये ओमेगा हो गया और एल यहाँ पर वैल्यू रखी हमने 2π और एफ, एफ हमारा 50 हर्ट्ज है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 और पाई होता है 3.14, तो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314 और एल हमारा 0.2 हेनरी, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 63 ओम। तो एक्स सी हमारा 32 ओम, एक्सएल हमारा 63 ओम, तो टोटल एक्स अगर हम निकालें यहाँ पर तो ये आएगा नेट जो रिएक्टेंस है ये आएगा एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो वैल्यू हो वो एक्सएल की है, तो एक्सएल में से एक्स सी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 63 − 32 = 31, ये इतना ओम 31 ओम जो हमारा वो नेट रिएक्टेंस आ गया सर्किट का, और ये इंडक्टिव है क्योंकि यहाँ पर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी। ठीक है, अब हम जेड निकालते हैं जो पहला क्वेश्चन है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, जेड इक्वल्स टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नेट रिएक्टेंस का स्क्वायर और रेजिस्टेंस का स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में दिया हुआ है 20 ओम और नेट रिएक्टेंस हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी है, ये 31 है ये वाला, तो ये इसका स्क्वायर करके और हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया, वर्गमूल या 1/2 मीन्स वर्गमूल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 37 ओम। तो जो इंपीडेंस है हमारे सर्किट का वो 37 ओम कैलकुलेट हुआ है। बी हमारा है करंट, करंट का जो वैल्यू है आरएमएस वैल्यू में निकालेंगे तो करंट जो है वो इक्वल्स टू होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड,
वी हमारा 220 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, जेड हमने यहाँ निकाला है 37 ओम, तो 220 डिवाइडेड बाई 37 इक्वल्स टू 6 एम्पियर अप्रोक्सीमेट हमने लिया है यहाँ पर। तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है दैट इज 6 एम्पियर। अब सी है हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर दिया जाता है आई गुणा आर, आई हमारा 6 एम्पियर है जो हमने अभी भी निकाला है बी पार्ट में, और रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम है, तो 6 इंटू 20 120 वोल्ट, तो वी आर हमारा 120 वोल्ट आ गया। वी एल जो है वो आई इंटू एक्सएल होता है, आई हमारा 6 एम्पियर है ही, एक्सएल हमारा 63 एम्पियर है, 63 ओम है ये हमने निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एल आ जाएगा 278 वोल्ट। ऐसे ही वी सी निकालेंगे जो आई इंटू एक्स सी है, आई हमारा 6 एम्पियर है, एक्स सी हमारा 32 ओम है, तो 6 इंटू 32 192 वोल्ट। तो तीनों वोल्टेज आ गए, वी आर 120 वोल्ट, वी एल हमारा 278 वोल्ट एंड वी सी हमारा 192 वोल्ट। ये वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स आ गया। पावर इन द सर्किट इन वॉट एंड वी ए, आप ये देखें कि पावर जो वी ए में है वो सिंपली करंट इंटू वोल्टेज जो भी आर एम एस वैल्यू है, तो करंट हमने निकाली थी 6 एम्पियर और वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट सर्किट में दिया हुआ है एग्जाम्पल क्वेश्चन में, दिस इज 220 वोल्ट, तो 6 इंटू 220 1320 1320 वी ए, तो पावर हमारी वी ए में आ गई 1320 वी ए। अब इसका जो हम वाट में पावर निकाले हैं जो रियल पावर कहलाती है वो होती है वी आई कॉस फाइव। जो हमने अभी ये निकाला है पावर ये सिर्फ वी आई है, वी 220 इंटू आई 6, तो हमें यहाँ कॉस फाइव निकालना पड़ेगा, इसका मतलब पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाइव जो आर बाई जेड का अनुपात होता है। आर हमारा 20 ओम है, जेड हमारा 37 ओम हमने निकाला था ए पार्ट में, तो 20 बटा 37 0.54 है, तो ये कॉस फाइव आ गया 0.54। तो पावर जो वाट में आएगी वो वी आई कॉस फाइव, वी आई हमारा 6 इंटू 220 और कॉस फाइव 0.54, ये हमारी पावर आ गई वाट में जो एक्चुअली एक्टिव पावर है या रियल पावर है, 713 वाट आपकी इसकी वैल्यू आ गई है। और पावर फैक्टर जैसा अभी अभी हमने निकाला है कि कॉस फाइव की वैल्यू 0.54 है, तो पावर फैक्टर एंगल फाइव इक्वल्स टू हुआ कॉस इनवर्स 0.54 का हम प्रतिलोम और कोज्या फंक्शन निकालते हैं, ये आया 57 डिग्री 18 मिनट। तो हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है वो 57 डिग्री 18 मिनट आया। तो हमने एक एग्जांपल से सीरीज आरएलसी सर्किट को किसी एसी साइनोसॉइडल वोल्टेज के साथ जो बिहेवियर है उसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई सोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।